हाय नेचुरल ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब? आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं आज टो के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि टो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम अपना स्किन हेयर को हम जितना केयर करते हैं उतना ही अदर पार्ट्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले कैसे आपको आपके नेल्स कट करना चाहिए और कैसे उसका देखभाल करना चाहिए मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने 5 मिनट तक रखा है, अभी मैं उसको कट करके दिखा रही हूँ। ये सबको आता है। देखा, ऑयल लगाने के बाद आपको बहुत ही ईजीली कट होता है। ये हम करते नहीं हैं जनरली। हम क्या करते हैं, जैसे ही हो जाता है हम बस अपने नेल कटर ले लेते हैं और उसको कट करना शुरू कर देते हैं। आप मिनिमम 5 to 10 मिनट्स छोड़ दीजिए अच्छे तरह, वो और वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे तरह वो कट हो रहा है। अभी आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा शेप देना है। मैं ज़्यादातर शेप्स मुझे इतना मैं करती नहीं हूँ, बस ऐसे मैं बस यहाँ पे जो ये स्क्रबर जैसा होता है उससे मैं थोड़ा बस ऐसे कर लेती हूँ बस। ऐसे ही मैं अपने सारे टो और अपने नेल्स को भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अब मैं पूरा वीडियो आपको पूरा नेल कट करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरा पैर का कलर देख के आप मुझे बहुत कोस रहे होगे। क्या हुआ, मैं टब में बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ ये सोच रहे हैं? हाँ, मैं टब में आपके लिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं आज जो वीडियो है मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो मेरे जैसे हैं। उसका मतलब क्या है, जिसको पेडिक्योर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट पेडिक्योर करना तो पड़ेगा, नहीं तो आपने मेरा स्टार्टिंग का जो पैर देखा था वो पिक देखोगे तो आप सोचोगे कि सच में वो मेरे ही पैर है क्या करके, क्योंकि इतना तक पूरा मेरा टो इतना ब्लैक था। होता है ना, कभी कभी हम बस स्किन हेयर करते रहते हैं और बाकी के पार्ट्स इतना ख्याल नहीं करते। जैसे कि एल्बो, बहुत लोगों का स्किन बहुत अच्छा होता है, हेयर बहुत अच्छा होता है, बट जब एल्बो देखते हैं तो बहुत ही ब्लैक होता है। कभी कभी पैर, अभी आपने मेरे भी पैर देखे होंगे कितने खराब है, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ही ठीक हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपने कंपेयर करूँ पहले के पैर का कलर और अभी, तो इट्स बेटर। मैंने सोचा था कि बहुत से लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनको पेडिक्योर करना पसंद नहीं है, जिनको करवाना पसंद है। हाँ, मैं भी उन लोग में से ही हूँ। एक दीदी आती थी मेरी मम्मी को हेन्ना लगाने, तो वो दीदी मेरा है ना पेडिक्योर मैनिक्योर करके चली जाती थी, बट आज वो बहुत पुरानी बात है। मैं करती हूँ, अब मुझे ही करना पड़ता है मुझे, क्योंकि स्पा सलून जाना पसंद नहीं है और इतने पैसे स्पेशली खर्च करना पसंद नहीं है। तो मंथली वंस तो मैं कर ही देती हूँ अपने पेडिक्योर करना पड़ता है, बट डेली मैं अपने पैर को कैसे ख्याल रखती हूँ वो मैं आज आपको अपने वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। शायद बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, तो वीडियो एंडिंग तक देखना। चलिए क्या करती हूँ ये टब को लेकर बताती हूँ। बहुत लोग को पेडिक्योर करना पसंद होता होगा, बट जो लोग मेरी तरह जिनको नहीं पसंद है, तो आप ये रोज करना और आपको धीरे धीरे करके आपको आपके पैरों में, उसका मतलब आपके टो के फिंगर में आपको चेंज नजर आएगा। करना क्या है, एक्चुअली करना कुछ नहीं है, ऐसे छोटे छोटे हमारे जो सोप्स होते हैं हम फेंक देते हैं जनरली, तो मैं ज़्यादा फेंकती नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखना बॉडी का, अगर आप सोप यूज़ कर रहे हो, जो सोप आप नीचे के पार्ट में यूज़ कर रहे हो उसी को ही फेस, मैं तो बोलती हूँ कि फेस में बिल्कुल सोप ही नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी आप लगा रहे हो तो बॉडी का और फेस का सोप्स अलग रखिएगा। एक्चुअली मैं करती क्या हूँ वो पहले मैं बता दूँ, अभी तो मैं आपको वॉश में दिखा नहीं सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे टब लेके ये सेटअप लगाया हुआ है। तो मैं अपने पैरों को थोड़ा पहले गीला कर दूंगी। बहुत सारे लोगों के पास पेडिक्योर मैनिक्योर ब्रशेस भी नहीं होंगे, मेरे पास तो है बट जिसके पास नहीं है इसलिए मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ ये वीडियो। देखिए मैंने अच्छी तरह अपने, यहाँ तक तो सबके पैर अच्छे ही होते हैं क्योंकि हम लेगिंग पहनते हैं, नहीं तो पैंट्स बहुत सारे लोग पहनते हैं, बट यहाँ से ही टैन होना शुरू हो जाता है। आप अपने फूट को अच्छे तरह सोप से अप्लाई कीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते आप ये भी कर सकते हैं। आजकल बहुत लोग
है ना सोप नहीं, शाजल भी यूज़ करते हैं। सो आप कोई भी शाजल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सो आप सोप, अगर आप सोप से नहीं नहाते हो, शाजल से नहाते हो, तो आप शाजल यूज़ करना। और ये तो चाहिए ही चाहिए, यूज्ड ब्रश होता है ना, हम जनरली फेंक देते हैं डस्टबिन में, मैं उसको ऐसे पैरों के लिए यूज करती हूँ। और ये नहीं है कि एक ही ब्रश पूरा ईयर यूज किया, ऐसे कुछ नहीं है। सी, अब सबको पता है ना कि टीथ को क्लीन करने के लिए सॉफ्ट ब्रश हमें लेना चाहिए, तो वही है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, हार्ड मत लेना, पैर खराब मत करना, सॉफ्ट होना चाहिए आपका। और अभी देखिए, ये तो सोप है, यहाँ पे देखिए, बस आपको अच्छे तरह आपके ब्रश से आपका फूड क्लीन करना है। ये स्टेप आपको डेली करना है आफ्टर अप्लाइंग सोप और जेल, स्पेशली जब आप बाहर से आते हो, जैसे कि बहुत धूप से आते हो, तो ऑब्वियसली आपका पैर बहुत गंदा हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, ओनली ठंडे पानी से हम अपना पैर धो लेते हैं। बट ऐसे मत करना, अगर हम ठंडे पानी से जस्ट अपना पैर धो लेते हैं, फिर भी वो गंदगी वैसे ही रहती है और टैन चढ़ जाता है। जनरली यहाँ ही देखिए कितना कालापन आ जाता है, सो आप अच्छी तरह उसको कर सकते हैं। इस ये साइड भी करती हूँ मैं। ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है जो आपका टैन भगा देगा या वहाँ पे गंदगी निकाल देगा। ये मैंने डेली करती हूँ और मैंने करना शुरू कर लिया था जब से मैंने वो अपना पैर देखा। और आप मानोगे नहीं, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि धीरे धीरे करके आपका कितना भी गंदा सा गंदा टैन क्यों ना हो, डार्क एरिया क्यों ना हो आपके पैरों के पास या आपके टो नेल में, वो रिमूव करेगा। ये प्रोसेस करते समय बहुत ही स्मूथली आपको स्क्रबिंग करना है विद अ ब्रश। और ये याद रखना कि एक दिन में आपका पैर फेयर की तरफ चला जाएगा, करके आप ज़ोर से मत कीजिएगा। ये आप ये स्टेप प्लीज करके देखिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। देखो नीचे का कलर देखिए और यहाँ का कलर देखिए, काश ये नीचे का कलर यहाँ पे होता। ब्रश के साथ स्क्रब करके आपको बाद में मिलती है। सी, यहाँ पे बहुत से लोगों को क्रैक होता है और क्रैक के अंदर कितना धूल मट्टी जम जाता है, अच्छे तरह आप उसको भी भूल मत जाना, अच्छे तरह आपको करना पड़ेगा क्लीनिंग स्क्रबिंग। देखिए मेरा ब्रश का कलर कितना धूल मट्टी होगा मेरे पैरों में, इसलिए इतना गंदा है, इतना गंदा हो गया। सो ये नहीं है कि एक ही ब्रश से आप ईयर करते जाओ, ऐसा नहीं है। सो आपका यूज्ड ब्रश आप फेंकना मत। सो आपके सामने मैं क्लीन कर रही हूँ, फिर से मैं बात वॉशरूम जाके अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। सो आपको भी थोड़ा चेंज नजर आया होगा, मेरा इसका कलर देखिए अभी, क्योंकि टैन तो हर रोज हमें टैन होता है। सो अब मैं उसको अच्छे तरह धोकर उसके बाद मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। सो देखिए मैंने पानी से अच्छी तरह धो लिया है, और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ रहा है, मैं ये नहीं करूँगी पूरा फेयर हो गया है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए टैन ना हर रोज़ हमें हमारे बॉडी पार्ट्स को लगता है, अगर आप उसको ठीक से रिमूव नहीं करोगे ना, डे बाय डे टैन वो ज़्यादा इंक्रीज होके ऐसे डार्कनेस में बदल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लोशंस लगा लीजिए अपने पैरों को, क्योंकि हमने क्या किया है, स्क्रबिंग किया है। आपने मेरे स्क्रबिंग का वीडियोस देखा होगा तो आपको पता है कि स्क्रबिंग का मतलब होता है डेड स्किन को निकालना। तो जब हम कोई भी एरिया में डेड स्किन को निकालते हैं तो उसको तुरंत मॉइस्चराइजर करने की ज़रूरत है। हमेशा नाइट टाइम, अगर आप बहुत जल्दी में नहीं कर पा रहे हो नहाते समय, तो नाइट टाइम पक्का करना। अभी मैं अपने पैरों में क्रीम लगाऊंगी। सो ये है मेरा छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है और DIY पसंद आया है, तो पता है आपको क्या करना है। अगर आप नए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और एक कॉमेंट कर लेना अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियोज़ देखते रहना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।